मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आज मैं कुकीज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चॉकलेट चिप कुकीज़। आप घर में बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत बच्चे बहुत खुश होंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 80 ग्राम्स बटर, ये मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था रूम टेम्परेचर पे। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी चीनी, आप चाहे तो कैस्टर शुगर ले सकते हैं, चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं, 60 ग्राम। और 60 ग्राम से हम इसमें डालेंगे ब्राउन शुगर और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। चाहे तो विस्क के साथ कर लें, चाहे तो फोक के साथ कर लें, बस अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। तो व्यूअर्स ये देखें, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारी चीनी इसमें अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अंदर। चॉकलेट चिप कुकीज़ बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बनाइएगा, बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत यम्मी होती हैं। इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक हम मिक्स करेंगे। व्यूअर ये देखें, मैंने इसको विक्स के साथ थोड़ा सा फेंटा है। अब हम इसमें डालेंगे 20 ग्राम्स कोको पाउडर, अच्छी कंपनी का कोको पाउडर लीजिएगा ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें 2 से 3 कतरे हम वनीला एसेंस के डाल देंगे और अपना जो हमारा बेकिंग पाउडर और मैदा, 80 ग्राम हमने मैदा लिया है, 20 ग्राम हमने बेकिंग पाउडर लिया है, इनको हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें 1 पिंच हमने सॉल्ट का भी डाला है, मैदे के अंदर हमने 1 पिंच सॉल्ट का, 20 ग्राम हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और 80 ग्राम हमारे पास है मैदा। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे वनीला एसेंस के साथ। तो व्यूअर्स, हमने ये सारा अपना साइडों से मिक्सर भी उतार लेना है और इसको भी इसके साथ मिक्स करना है ताकि हमारी कोई इसके अंदर कोई लम्स ना बन जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, ये हमारा मैदा इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें डालनी है चॉकलेट चिप्स, जितनी आपको पसंद हो, आपकी मर्ज़ी, आप उतनी डाल दें इसमें। इसको मिक्स करके हम थोड़ी देर छोड़ेंगे फ्रिज में ताकि हमारी जो डो है वो थोड़ी सी सेट हो जाए, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाए हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि चॉकलेट चिप कैसे तैयार होते हैं। आप घर में ईजीली तैयार कर सकते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के और बहुत यम्मी बनेंगे, बच्चों को बहुत पसंद है। चॉकलेट चिप्स तो वैसे बच्चों की जान होती है। तो व्यूअर्स, हम इनको ट्रे में लगा के 170 या 180 सेल्सियस पे हम इनको तकरीबन 16 से 18 मिनट तक बेक कर लेंगे। इनकी हमने ऐसे ही इनको हमने कोई शेप नहीं देनी, बस ऐसे ही हमने इनको इसके ऊपर रख देना है बस। फासले पे रखेंगे ताकि जब वो मेल्ट होंगे तो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो व्यूअर्स, ये देखें, हमने अपनी बेकिंग ट्रे में इन सबको सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी चॉकलेट चिप्स डाल देंगे और इनको बेकिंग के लिए ओवन में छोड़ देंगे। इसको हम 180 सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको बेक कर लेंगे। तो फिर हम इनको बेक करने के लिए अपनी ओवन में डाल देंगे।
तो अभी बस ये देखें हमारे चॉकलेट चिप कुकीज़ तैयार हो गए हैं। आप घर में इनको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत यम्मी बनेंगे। ये इनकी फाइनल लुक है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।